Thank you, Sambhavji, for your maiden speech. Now, Ji Tanuja Rani. Sushri Ji Tanuja Rani. Next, Sri Abhay Kumar Sinha Ji. Abhay Kumar Sinha Ji. सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के की चर्चा में आपने हमें बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं महोदय। महोदय ने जो अभिभाषण दिया है जिसमें केवल कागजों में सरकार का बखान है महोदय, धरातल पर असलियत कुछ और ही है। महोदय, मैं कहना चाहूँगा अभिभाषण में भारत को विश्व का समाधान का देश बताया गया, जबकि यहाँ युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीब मजदूर सब परेशान हैं, किसान आत्मदाह कर रहे हैं, किसानों की आय दुगना करने की बात जुमला रही, हर पेपर लीक हो रही है महोदय, हमारे छात्र परेशान हैं, जीएसटी से छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे व्यापारी, मध्य व्यापारी परेशान हैं। पहले अपने देश की समस्या, जो विकट समस्या है ये अगर समाधान हो जाए सरकार के माध्यम से तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। महोदय, महामहिम महोदया जी के अभिभाषण में बिहार राज्य का कोई जिक्र तक के नहीं है, जबकि बिहार की बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है महोदय, कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं। बिहार में रोजगार का अभाव है महोदय, जबकि बिहार राज्य में ऐसे संसाधन हैं जो रोजगार का सृजन कर सकते हैं, लेकिन न तो राज्य सरकार उस पर ध्यान दे रही है और न ही केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। सभापति महोदय, बेरोजगारी से हमारे युवा परेशान हैं, और महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार 17 महीने चली तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयास से 5.5 लाख बिहार में युवाओं को नौकरी देने का काम किया गया था महोदय। और मैं बताना चाहूँगा, एक दिन में एक साथ 2,23,000 समथिंग कुछ युवाओं को एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटने का काम बिहार में हुआ था महोदय, महागठबंधन की जब सरकार थी। माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि बिहार के हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज दिया जाए। हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का यह बहुत पुराना मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बहुतों तरह का अभियान चलाए, हस्ताक्षर अभियान दिल्ली तक के यहाँ मार्च किए, तो मैं तो जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से महोदय कि अब देर किस बात की, अब तो आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है और आपके बदौलत सरकार है, इसलिए अब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में तनी सा भी देर नहीं लगना चाहिए। बिहार में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है महोदय, पीने के पानी के घोर किल्लत है। नल जल योजना जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई है, वो बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पानी का लेवल हमारे बिहार में और कुछ जिला जो औरंगाबाद पहाड़ी इलाका है, औरंगाबाद है, गया है, सासाराम है, लेवल करीब 200 से 300 फीट नीचे चला गया है। सरकार द्वारा पीने के पानी के लिए
एवं सिंचाई हेतु जल संसाधन की नीति नहीं बनाई गई है। कोई नीति बनाती? महोदय, जल है तो जीवन है, और जल है तो जीवन है, और सिंचाई अगर होती है, हमारे किसान अगर खुशहाल होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश खुशहाल होगा। महोदय, इसलिए हमारी आपसे आग्रह होगी कि जल संसाधन विभाग एक नीति बना करके सिंचाई के लिए और पेयजल की संकट के संकट को दूर करने के लिए एक नीति बना करके राज्य सरकार में निश्चित तौर पर उसको भेजने का काम करे। हमारा एक आग्रह होगा महोदय, बिहार राज्य एक तरफ बाढ़ का प्रकोप झेलता है तो दूसरी तरफ सुखाड़ का प्रकोप झेलता है। महोदय, अगर दक्षिणी बिहार में बाढ़ पूरी तरह से त्राही मचाते रहती है, बहुत सारे जान माल का खतरा होता है, बहुत सारी बर्बादियां होती है, तो उसी तरह दूसरी तरह उत्तरी बिहार में एक तरफ सुखाड़ रहता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जो बाढ़ से त्राही माम होती है और प्रति वर्ष कई को हजार करोड़ का नुकसान होता है, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के एक नीति बना करके बाढ़ का समाधान और सुखाड़ का समाधान निश्चित तौर पर निकालने का काम करना चाहिए। महोदय, हमारे के यहाँ कोई स्पीकर नहीं है। महोदय, हमारा 8 मिनट टाइम है, हो गया 7 मिनट हो गया। अध्यक्ष महोदय, हम आग्रह करेंगे, हमारे बिहार में जातीय गन्ना हुई, महागठबंधन की जब सरकार बनी तो जातीय गन्ना कराकर और गन्ना के अनुरूप वहां पर लोगों को आरक्षण देने का काम महागठबंधन की सरकार ने की थी। लेकिन महोदय, वहां पर हाई कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट करके उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, सरकार पुनः फिर गई है। हम आग्रह करेंगे इस सरकार से कि देश में जातीय जनगणना कराकर जातीय गन्ना के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था करे। देश और बिहार के युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करें, ये हमारी सुझाव होगी और हमारी एक आग्रह होगी। महोदय, हम पहली बार बोल रहे हैं महोदय इस सदन में, पहली बार जीत करके हम आए हैं, हम आपका संरक्षण चाहेंगे। महोदय, खत्म कीजिए अभी, एक मिनट। 10 वर्ष की बात न करके इमरजेंसी के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। हमें 10 वर्ष की जो आपने गारंटी दी थी बात, उसकी करनी चाहिए थी। 2014 में आप क्या बोल करके आए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा था, 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में देने की बात कही थी, किसान का आय आपने दुगना करने की बात कही थी। इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए। बिहार और देश की जनता को एनडीए से भरोसा निश्चित तौर पर टूटा है। महोदय, यही कारण है कि देश ने मोदी जी की गारंटी को नकारने का काम किया है, और 370 सीट और 400 पार की जो बात एनडीए करती थी उसे 240 और 300 के नीचे ला करके खड़ा किया है। आपने हमें बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देते हुए जय हिंद जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी थानुषा रानी जी।